आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी मुरादाबाद के समस्त कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित हुए और उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजय सिंह के रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम जनमानस में भारी रोष व्याप्त है। मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया की मजबूत और शेर जैसी दहाड़ की आवाज को दबाने की साजिश है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग डॉक्टर एपी सिंह, महासचिव शिव कुमार राय, महानगर अध्यक्ष रविन्द्र भाटिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष राशिद सैफी, प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल बिश्नोई, उपाध्यक्ष खुर्शीद, कोषा अध्यक्ष याकूब, अजय कुमार, इमरान खान, रीता पाल, विनोद देवी, रमेश यादव, गुड़िया खान आदि लोग मौजूद रहे। आज का आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष नजरुद्दीन मलिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किन मांग को लेकर आपने क्या कर लिया आज? मुरादाबाद आम आदमी पार्टी की जिला और महानगर इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से माननीय संजय सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनकी ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी फर्जी चार्ज उन पर जो थोप करके जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कि अगर मोदी जी आपकी सरकार में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है तो आप एक तरफा ऐलानिया कर दीजिए कि जो है अब हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम सारे लोगों, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने का काम करेंगे और अकेले जो है 50 साल 70 साल 80 साल जो भी आपकी इच्छा हो सरकार चलाएंगे, चलाइए आप, लेकिन अगर संविधान के माध्यम से सरकार चलेगी तो ईमानदार लोग जेल में नहीं जा सकते हैं। जिस तरीके से आप जिन्होंने एक रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर ऐसे लोग आप जबरदस्ती जो है आपके खिलाफ बोलते हैं सदन में तो आप उन्हें जेल में भेज देंगे। 70,000 करोड़ के रजिस्टर्ड बेईमान अजीत पवार, आप उनको जो है गले लगाते हैं और डिप्टी सीएम बना देते हैं। अजीत विश्व शर्मा जो है आसाम के, आप उन्हें जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपके पास जो आ जाता है वो आप गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाते हैं, और जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसे जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेगी जनता? जनता समझ चुकी है कि आप जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं और आपने जो 9 साल काम किया है वो सब दिखाई पड़ रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जो है इस बात का गवाह बन गया है कि जिस तरीके से आप जो है आज केवल 3-4 पूंजीपतियों को सरकारी संपत्तियों में भागीदारी दे रहे हैं, उसका आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक विरोध कर रही है और यही आपको हजम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से आपने आम आदमी पार्टी नहीं, एक देश के गरीब मजलूमों महिलाओं की आवाज़ माननीय संजय सिंह जी को अरेस्ट करके आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, लेकिन अभी न्यायपालिका बाकी है और हम लोग जो है अपील दायर कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों लोग 10 दिन के अंदर रिहा हो रहे हैं। आज जो हमारा यहाँ आना हुआ है, पूरी आम आदमी पार्टी इकाई यहाँ पर मौजूद है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जो शराब के फर्जी मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी क्या हुआ, जो अभियुक्त हैं मैंने तो उनके उनसे 14 बार पूछताछ होने के बाद भी उनसे उनको रिहा कर दिया गया है और उनको सरकारी गवाह बना के राज्यसभा सांसद जी को अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे सांसद जी के घर की कम से कम 12 घंटे सर्चिंग की गई और उनको जो अरेस्ट, उसके बाद उनका कुछ उनके हाथ नहीं लगा है। 8 दिन उनको रिमांड पर रखा गया, उसके बाद में कुछ न मिलने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही बात है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको नहीं छोड़ा गया, तो आम आदमी पार्टी बहुत विश्वव्यापी प्रदर्शन करेगी। आप एक, आपके सिर के पीछे